हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सार्थक डील्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं यहां पर आपके लिए नई नई प्रॉपर्टी के रिव्यूज लेकर आता रहता हूं। आज भी मैं एक नई प्रॉपर्टी का रिव्यू, जो कि एक फार्म हाउस है, उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। काफी शानदार यह आज की प्रॉपर्टी रहने वाली है। दोस्तों, आप सब में से जो कोई भी इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं, वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अभी हम हल्द्वानी से जा रहे हैं और चकलवा के पास हम लोग अभी पहुंचे हैं। इससे आगे कालाढूंगी है। कालाढूंगी से कुछ आगे जाकर धमोला के नाम से यह जगह जानी जाती है और वहां पर एक काफ़ी शानदार एक फार्म हाउस है, जिसका कि आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो यह फार्म हाउस है, 2.5 बीघा प्रॉपर्टी के अंदर यह फार्म हाउस बना हुआ है और काफ़ी वेल प्लानिंग के साथ फार्म हाउस बना हुआ है। मेन रोड से काफ़ी नज़दीक, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस की यह प्रॉपर्टी है। दोस्तों, धमोला के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। दोस्तों, यह आप रोड देख रहे हैं, यह हल्द्वानी की तरफ जा रही है। ये सामने की तरफ मैं आपको दिखाऊं, यह जो रामनगर की तरफ है रोड जा रही है और यहीं पर यह इंटर कॉलेज है। यह सामने आप इंटर कॉलेज की बिल्डिंग देख रहे हैं। बिल्कुल इसके बगल से अंदर रोड जाएगा, जो कि आप यह सामने देख रहे हैं रोड, और यहाँ से महज आपका 150 मीटर के डिस्टेंस में, जो एकदम वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर की प्रॉपर्टी है। दोस्तों, जैसा कि आप आसपास देख रहे हैं, काफ़ी शानदार यह एरिया है, एकदम आपका नेचर व्यू के साथ की यह प्रॉपर्टी है। सामने ही आप देखेंगे यह फार्म हाउस यहाँ नज़र आ रहा है। दोस्तों, पहुंच गए हैं हम लोग प्रॉपर्टी के अंदर, आप करते हैं इसका रिव्यू। दोस्तों, यह सामने आप रोड देख रहे हैं, यह जो आपका सीधे मेन रोड से हम लोग अभी एंट्रेंस हम लोग ने किया था, मैं आपको सामने जूम करके दिखाऊं। यह सामने आपको मेन रोड नज़र आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सामने भी देख रहे हैं, पूरा काफ़ी शानदार एकदम वैली का यहाँ पे व्यू है और यह रहा हुआ फार्म हाउस। दोस्तों, काफ़ी शानदार यह फार्म हाउस है, जिसकी अभी फिनिशिंग रही है और फिनिशिंग का काम इसमें चला हुआ है और जल्द ही आपको यह कम्प्लीट देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह सामने आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, जिसमें फिनिशिंग रही है। वहां से यह पूरा इसका फ्रंट एरिया है, जो कि 90 फीट का यह फ्रंट है और साथ ही अगर मैं डेप्थ की बात करूं, 190 फीट का इसका डेप्थ है। यह रहा इसका एंट्रेंस एरिया। यह गेट है, स्टील का यह गेट बना हुआ है। काफ़ी चौड़ा यहाँ से रास्ता आप अंदर की तरफ देखेंगे, जो कि अंदर फार्म हाउस के लिए जा रहा है। यह आप फ्रंट में जब देखते हैं तो काफ़ी बड़ा यह लॉन का एरिया दिया गया है, जो कि अभी स्टार्टिंग इसका हो रहा है, जो कि धीरे धीरे अपना यह लोन बनाया जाएगा। दोस्तों, और यह आप सामने देखें, पीछे जाने के लिए रास्ता है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि एक फार्म हाउस के अंदर लोगों का शौक किस तरह से रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यह आप देखें, पूरा यह फार्म हाउस है, एकदम न्यूली बिल्डिंग यह है, जिसमें कि अभी फिनिशिंग, जो कि आपका कलर का और टाइल्स का यहाँ पर भी काम चला हुआ है। दोस्तों, एक बार यह मैं इसका फ्रंट से भी इसका मैं व्यू करवाऊं। यह देखिए, काफ़ी शानदार यह बिल्डिंग बनी हुई है, काफ़ी शानदार, काफ़ी सुंदर जो इसका एलिवेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा, जो इसका लुक देखने को मिलेगा। अब हम इसके अंदर की तरफ जा रहे हैं। यह सामने आप यह देखिए, यह इसका एंट्रेंस एरिया है, जिसमें कि आपको पूरा लकड़ी का एक काफ़ी बड़ा डोर देखने को मिलेगा। अंदर हम जाते हैं तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो लॉबी का एरिया है, लिविंग रूम, काफ़ी बड़ा यह स्पेस दिया गया है, जिसमें कि अभी यह फिनिशिंग चल रही है। अभी जैसे ही कंप्लीट होगा तो काफ़ी सुंदर यह आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जैसे ही हम लोग इसका लेफ्ट एरिया जाते हैं, जो एक इसका ईस्ट और नॉर्थ का एरिया है, मंदिर यहाँ पर यह बनाया गया है, जिसमें कि अभी काम कंप्लीट नहीं है। उसके बाद यह पूरा आपका लिविंग एरिया है और सामने की तरफ आप देखेंगे कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। यहीं से अगर हम राइट साइड देखें तो काफ़ी बड़ा यह एक कमरा दिया गया है, जो कि आपका फर्स्ट बेडरूम है। उसी के पास आप देखेंगे यह कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, साथ में मास्टर बाथरूम भी यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद जो इसका सेकंड बेडरूम है, उसकी तरह हम लोग चलते हैं। यह देखिए, यह भी काफ़ी बड़ा यह बेडरूम है, काफ़ी बड़ी खिड़कियाँ भी देखने को इसमें मिलेंगी, प्रॉपर वेंटिलेशन और नेचर जो ओरिजिनल लाइट से बाहर की, वह प्रॉपर इस रूम में आपको देखने को मिलेगी। और यह आपका देखिए, यहाँ से पूरा बैक साइड का पूरा प्रॉपर व्यू है। और वापस हम लोग लिविंग एरिया में आते हैं तो वहाँ से लेफ्ट में फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए सीढ़ियाँ दी गई हैं और बिल्कुल उसके बराबर से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर यह काफ़ी बड़ा यह किचन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि अभी काम कंप्लीट नहीं है।
और यहीं से एक एंट्री है या एग्जिट आप कह सकते हैं, वह पूरा बैक साइड के लिए दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप बैक साइड में देखेंगे सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जो कि अभी मैं जाकर आपको दिखाऊंगा। दोस्तों यह लिविंग एरिया के पास जो ये टॉयलेट बाथरूम है, इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक स्पेशल रूम यहाँ पर दिया गया है, जिसको कि आप स्टडी रूम के रूप में या अपना स्पेशल रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका कि एंट्री यहीं से दिया जाएगा। इसमें यहीं से सीढ़ियाँ दी जाएंगी। और वापस हम लोग लिविंग एरिया में आए हैं और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। और यह इस एरिया में भी आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि आपका काफ़ी बड़ा स्टोरेज भी यहाँ पर आपको आप बना सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी सीढ़ियाँ यहाँ पर दी गई हैं। जैसा कि आप खिड़कियों में देख रहे हैं, प्रॉपर पूरा स्टील का जो रेलिंग दिया गया है, ग्रिल जो है स्टील के दी गई हैं। दोस्तों जैसे ही हम लोग फर्स्ट फ्लोर में पहुँचते हैं, एक कमरा हमारा लेफ्ट साइड में है, जो कि काफ़ी बड़ा है कमरा है। यह भी एकदम मास्टर बेडरूम है। इसमें भी आप देखेंगे प्रॉपर, जैसे कि जो नीचे बेडरूम था काफ़ी बड़ा, वही साइज के साथ का यहाँ पर कमरा दिया गया है। इसके बाद हम सीधा यहाँ छत के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से मैं आपको व्यू करवाऊँगा। जो आपका वॉशिंग एरिया है वह दिया गया यहाँ पर। और यहाँ से हम लोग आगे जाते हैं। जैसे कि आप मेरी लेफ्ट साइड में देखेंगे, यह जो आपको मैंने नीचे से स्पेशल रूम जो दिखाया था, यहाँ से इसमें प्रॉपर जो वेंटिलेशन और जो लाइटिंग है सब यहाँ से आपको इसमें मिलेगी। दोस्तों यह मैं छत से इसका भी थोड़ा सा आपको एलिवेशन दिखाऊं। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर यह दिया गया है, काफ़ी अच्छे एलिवेशन के साथ का है प्रोग्रामिंग किया गया है, जो कि जैसे जैसे इसमें कलर होंगे तो काफ़ी यह शानदार लगेगा। दोस्तों अब इसके आसपास का व्यू मैं आपको करवाऊँ। यह आप देखिए, इसके आसपास काफ़ी शानदार यह एरिया है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, प्रॉपर वैली यहाँ पर है, काफ़ी जो वैली है एकदम ग्रीन एरिया यह है, और आसपास भी काफ़ी एकदम हरियाली है। फार्म हाउस का लुक है यह, यहाँ पर आपको काफ़ी फार्म हाउस वाली फीलिंग आपको मिलेगी। और यह सामने का आप देखेंगे कितना बड़ा यह लॉन है। और दोस्तों साइड से आपको व्यू करवाऊँ, यह एंट्रेंस है। यह जो इसका प्रॉपर बगल से जो गैलरी छोड़ा गया है, काफ़ी चौड़ी यह गैलरी दी गई है। यह आप आसपास देखें, पूरा फार्मिंग यह एरिया है, काफ़ी बड़े बड़े फार्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आ चुका हूँ बैक साइड में, और यह बैक साइड से आप देखिए, यह बैक साइड में जो फार्म हाउस का जो स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से यह स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको जो है गाय यहाँ पर देखने को मिलेंगी, पूल यहाँ पर देखने को मिलेगा अपने यूज़ के लिए, प्रॉपर सब्जियों के लिए भी यहाँ पर स्पेस छोड़ा गया है, जो कि अभी मैं आपको नीचे जाकर दिखाऊँगा। यह अब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। यह जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी चौड़ी यहाँ पर गैलरी छोड़ी गई है, काफ़ी अच्छे प्लान के साथ ये फार्म हाउस को किया गया है। दोस्तों यह देखिए, अब हम लोग बैक साइड आ चुके हैं, और जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर भी पूरा स्टोरेज यहाँ पर दिया गया है हर चीज़ का। जैसा कि सामने आप देखें तो अपने प्रॉपर जो अपना पर्सनल यूज़ के लिए जो साग सब्जी की जो भी हमें ज़रूरत है, एकदम फ्रेश सब्जियाँ आप लोग अपने यूज़ के लिए तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए भी काफ़ी यहाँ पर स्पेस आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी स्पेस है, जैसे कि आप देखें इन्हें भी यहाँ पर भी आपको सब्जियाँ देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर है अपना फार्म हाउस पे सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको देखेगा। जैसा कि आप देखिए, बतख यहाँ पर को देखने को मिलेंगी, कुछ मुर्गियाँ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, गाय यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा घोड़े भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों प्रॉपर जो एक फार्म हाउस में जाकर आदमी अपने शौक पूरे करता है, वह सारे आप देखेंगे, सारे शौक यहाँ पर पूरे किए गए हैं। यह आप देखिए, यह घोड़ा है, साथ में एक घोड़ा और है। और यह आप पूरा देखेंगे, यह जो आपका गाय का एरिया है जानवरों के लिए, वह एरिया दिया गया है। दोस्तों काफ़ी शानदार यह फार्म हाउस है, जो कि 2.5 बीघा के अंदर यह प्रोजेक्ट किया गया है, और जिसमें हर तरह की जो एक ज़रूरतें होती हैं उनका पूरा ध्यान रखा गया है, हर तरह के शौक का यहाँ पर ध्यान दिया गया है, और काफ़ी प्लानिंग के साथ का यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। जैसा कि आपने देखा, बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि फिनिशिंग का वर्क चल रहा है, और जैसे जैसे यह कंप्लीट होते जाएगी तो यह काफ़ी और सुंदर, अभी तो यह काफ़ी सुंदर है ही, जैसे जैसे कंप्लीट यह प्रोजेक्ट होता रहेगा तो यह काफ़ी शानदार यह और होता रहेगा। जिन लोग को एकदम हिल और प्लेन के बीच में अपना को फार्म हाउस बनाना है, उनके लिए काफ़ी अच्छा यह फार्म हाउस है। जिन लोग को शहर के नज़दीक भी अपना एक फार्म हाउस का रिक्वायरमेंट रहता है, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा यह फार्म हाउस है। और साथ ही जैसा कि आपने बैक साइड में देखा, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, जैसा कि आपने घोड़े भी यहाँ पर देखे, डक आपने देखी, और सारे शौक यहाँ पर पूरे किए गए थे। साथ ही एक पूल का जो आपने देखा स्ट्रक्चर, अभी धीरे धीरे काम शुरू हुआ है, तो एक छोटा सा यहाँ पर स्विमिंग पूल का भी यहाँ प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, और अगर आप लोग भी चाहें तो इसको आप अपना बना सकते हैं। दोस्तों अगर हल्द्वानी से हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 30 किलोमीटर का आसपास का डिस्टेंस रहेगा,
और वहीं अगर हम रामनगर से भी बात करें तो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास का इसका डिस्टेंस रहेगा। और वहीं अगर हम बात करें जो कालाढूंगी मार्केट है वहाँ से अगर हम बात करें तो लगभग आपका 6 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस इसका रहेगा। सारी सुविधाएं हैं इसके आसपास, जैसे स्कूल की हम बात करें, डेली नीड्स की हम बात करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ की हम बात करते हैं या स्कूल कॉलेज की हम बात करते हैं, तो सारी फैसिलिटीज इसके आपको लगभग 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी शानदार यह फार्म हाउस था, काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट के साथ में यह फार्म हाउस को जो है डेवलप किया गया है। तो जैसा कि एक फार्म हाउस के अंदर आदमी का जो भी शौक होते हैं वो सारे शौक इसके अंदर पूरा करने की कोशिश की गई है और सारी चीज़ें काफ़ी वेल मेंटेन तरीके से जो यहाँ पर बनाई गई हैं। दोस्तों टोटल यह जो ज़मीन है, यह 2.5 बीघा की यह ज़मीन है, उसके अंदर यह फार्म हाउस को कंस्ट्रक्ट किया गया है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं यह कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ नहीं है और यह कंप्लीट आपको करके मिलेगा, और जिसका कि टोटल जो प्राइस रखा गया है वह 1,55,00,000 रुपया रखा गया है जो कि नेगोशिएबल है। दोस्तों आपको इसका इसके अलावा कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारे डिटेल ले सकते हैं। धन्यवाद।